आज हम आपको दिखा रहे हैं हिलक्रॉफ्ट एवेन्यू। लास्ट टाइम हमने आपका हार्विन दिखाई थी, हार्विन मार्केट हिलक्रॉफ्ट के ऑपोजिट। लेकिन हिलक्रॉफ्ट के चार पांच लोकेशन पे ऐसी छोटी छोटी बनी हुई है मार्केट टाइप, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और हर मार्केट तकरीबन 4 मिनट की ड्राइव, 5 मिनट की ड्राइव से फ़र्क पे है। हर जगह रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, देसी एरिया है सारा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये पहली ही जगह है जहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, टायर शॉप भी है, आपका मैकेनिक्स भी हैं। एक मैकेनिक वहाँ बैठा है, एक रेस्टोरेंट है, टायर शॉप है, एक कन्वीनियंस स्टोर है। ऐसी छोटी छोटी मार्केट बनी हुई है। हिलक्रॉफ्ट का भी एरिया काफ़ी बड़ा है, तो मैं दो तीन एरियाज जो है उधर ले जाता हूँ, आप पाँच मार्केट दिखाता हूँ। ज़्यादातर यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ही हैं, देसी एरिया है। वहाँ पे देखें सारे बुरखे में और स्टाफ में लड़कियाँ घूम रही है। तो ये इसकी बैक साइड था। अभी ये हम आ गए फ्रंट साइड पे और वो अपार्टमेंट सामने भरे हुए। जाते जाते मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत प्यारी मस्जिद है। इधर बहुत सुकून मिलता है अगर नमाज पढ़ने से। ये यहाँ पे आपका ट्रेवल एजेंसी है, बारबर शॉप है, कैफ़े है। सामने कारमैक्स वाले हैं, गाड़ियों की करते हैं। सारा हिलक्रॉफ्ट का एरिया। एक एरिया अपोजिट उस तरफ है, वो भी हिलक्रॉफ्ट का ही है, मार्केट बनी हुई है, रेस्टोरेंट्स है। उधर भी चलते हैं, देखते हैं क्या है चीज़ें, आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें हिलक्रॉफ्ट के हवाले से। दिन का टाइम है, बहुत शदीद गर्मी होती है इधर ईस्टर्न में, लेकिन आज अल्लाह के करम से अच्छा मौसम है। बारिशों का सीन है, पिछले 1.5 हफ्ते से बारिश हो रही है तकरीबन थोड़ी थोड़ी। अभी इस मस्जिद से हम लोग निकल रहे, जाना राइट से है मुझे, लेकिन थोड़ा मैं इस तरफ से आपको लेके चलता हूँ। ये यहाँ पे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सारे देसी रहते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो जाएगा। शुरू में लोग यहाँ आते हैं तो तकरीबन प्रेफरेंस यहीं पर देते हैं हिलक्रॉफ्ट की तरफ, और फिर आगे विलक्रेस्ट है, सेवाय वगैरह जहाँ पे बनाए वहाँ पे, मैं भी वहीं पे रह रहा हूँ। तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है खाने के हवाले से और चीज़ों के हवाले से। ये देखें देसी फैमिलीज यहाँ पे बाहर, ज़्यादातर यहाँ पे जो है बागवानी आ गए, लेकिन अपने पाकिस्तानी बांग्लादेशी भी बहुत हैं यहाँ पे। ये बाहर बैठे होते हैं, ये देख लें फैमिलीज दुपट्टे में, छोटे अपने देसी बच्चे। तो अच्छा एरिया है एक तरह से, खाने पीने की सहूलत है, अपना देसी माहौल मिल जाता है, स्कूल भी करीब है, सब करीब है, हॉस्पिटल भी है करीब में। लेकिन हिलक्रॉफ्ट भी है, 3-4 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, मतलब बड़ी जगह है हिलक्रॉफ्ट। तो ये जो कहलाता है ये एशवुड अपार्टमेंट्स हैं, और अच्छे बने हुए अपार्टमेंट्स और थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी है। बाकी दूसरा एरिया जो है इसका 4 मिनट की ड्राइव पे है, मैं पहुंच के आप लोग को कनेक्ट करता हूँ दोबारा। ये एक और मार्केट है, हम अभी अपोजिट साइड पे हैं। दूसरी मार्केट जो पहले थी वो यहाँ से तकरीबन 4 मिनट की ड्राइव पे है, और यहाँ पे आपको देखिए वेब सिटी ये वो सब कुछ, सारे स्टोर्स वगैरह मिलेंगे। गुलशन इकबाल ग्रॉसरी, बीजिंग चाइनिंग रेस्टोरेंट, शीबा सामने रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। ये यमनी रेस्टोरेंट है, मंदी वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं भी नॉर्मली यहीं से मंदी लेता हूँ, एक टाइम लेता हूँ, टाइम आराम से चल जाती है। इसके साथ चाट एंड पान है, यहाँ पर सारी अपनी छालियाँ, सिगरेट, समोसे, ये सब चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं। छोटी मस्जिद बनी हुई है यहाँ पर। एक ये मार्केट है, एक मैंने आपको पहले दिखाई, अभी इसके अलावा एक और मार्केट है जहाँ पे स्टूडेंट बिरयानी है और ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ही है सारे। तो तकरीबन सारा देसी एरिया है, तकरीबन यहाँ पे आपको देसी ही नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े से ब्लैक अमेरिकन भी हैं। और अच्छा एक है, लेकिन थोड़ा सा आप कह रहे हैं सिक्योरिटी वगैरह का यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है रात में, और क्योंकि होमलेस वगैरह ज़्यादा होते हैं। होमलेस अच्छे होते हैं काफ़ी हद तक, मेरे जो जहाँ मैं जाता हूँ दिल्ली की तरफ, वहाँ तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं कि तंग करते हैं। एक बार मेरा इंसिडेंट हो चुका है यहाँ पे, वो किसी टाइम में आपसे शेयर करूँगा। अभी एक तीसरी मार्केट है जहाँ पे स्टूडेंट बिरयानी वगैरह है, तो वहाँ चलते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। वो बिल्कुल हार्विन के सामने, हार्विन में आपको लास्ट वीक लेके गया था, हार्विन की जो होलसेल मार्केट है।
उसके सामने है। तो अरविंद तो मैंने लास्ट टाइम आपको लेके गया था, आज मैं उसके सामने जो रेस्टोरेंट वगैरह है उधर लेके चलता हूँ। तो गाइस अगली 3 मिनट की ड्राइव करके हम लोग आ गए एक और हिलक्रॉफ्ट एवेन्यू, और ये सबसे बड़ी आप कह सकते हैं हिलक्रॉफ्ट की मार्केट है। सामने जो है वो अरविंद की मार्केट होलसेल की शुरू हो जाती है अरविंद ड्राइव। इधर सामने देखें पर्शियन ग्रिल है, इसका भी खाना अच्छा होता है। ऑपोजिट भी पूरी मार्केट है, यहाँ भी पूरी मार्केट है, शॉपिंग प्लाजा, कैफेज, मिठाई की दुकानें, साड़ी, ज्वेलरी सब यहाँ पे जो है मिलती है। ये आपकी मेन जगह स्टूडेंट बिरयानी। चलते हैं थोड़ा उसके ऑपोजिट साइड पे भी आपको दिखाता हूँ, ये टेम्पुरा रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा खाना होता है इसका। तो मेरा नॉर्मली यहाँ टेम्पुरा से और अश्वर किचन स्टूडेंट बिरयानी। और शनवारी है यहाँ से खाना मैं लेता हूँ अक्सर, मतलब $10-15 का खाना मिलता है और तकरीबन 2 टाइम आप आराम से खा सकते हैं या 2 बंदे समझ लें एक वक्त में खा सकते हैं आराम से। थोड़ा सा मैं पैदल चलता हूँ ताकि आप लोग को समझ, इसलिए नॉर्मली लोग हिलक्रॉफ्ट की प्रेफरेंस देते हैं हिलक्रॉफ्ट को, कि यहाँ 3 मिनट की ड्राइव है तो तकरीबन 12-15 मिनट की वॉक पे आपको हर किस्म का खाना मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी दूर रहते हैं तो गाड़ी के बगैर यहाँ गुजारा नहीं है भाई, चलना ही चल, पैदल आपको कुछ नहीं मिलता है। ये अशर किचन है, यहाँ पे दूसरे रेस्टोरेंट है, सामने गैस स्टेशन है, ये रोड फिर आगे जाता है सिवाय वगैरह की तरफ, सिवाय वेलक्रेस का एरिया है और उधर भी काफ़ी देसी है, मैं भी वहीं रहता हूँ, एक वीडियो उसकी भी बनाएंगे। वो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू हिलक्रॉफ्ट ज़्यादा साफ एरिया है, उधर भी करीब में मिल जाता है खाना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर रह रहे हैं तो वो भी बड़ा एरिया है, थोड़ा दूर रह रहे हैं तो फिर आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। ये थोड़ा रौनक वाला एरिया है, रात को 1-1.5 बजे तक भी रौनक रहती है इधर। ये उधर भी सामने सारी मार्केट है, ये पर्शियन ग्रिल पर आ गए हम लोग। मोबाइल स्टोर है, अब ये हम घूम घुमा के जो है दोबारा चिकन बिरयानी पे पहुँच चुके हैं। तो ये है भाई हिलक्रॉफ्ट के एरिया कनेक्टिंग है, तो पूरा हिलक्रॉफ्ट ही, लेकिन दो दो तीन तीन चार चार मिनट की ड्राइव पे चीज़ें मिलती हैं, तो पैदल बंदा 15-20 मिनट में पहुँच सकता है, हर चीज़ मिल जाती है स्टूडेंट बिरयानी से लेके कढ़ाई अच्छी से अच्छी। रात को कहते हैं थोड़ा सा सेफ नहीं है अभी एरिया, लेकिन मैं आता हूँ अभी 9-9:30 बजे तक तो आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेट नाइट अगर कोई ऐसे होते हो मसले तो वो एक अलग बात है। ये सामने फिर अरविंद ड्राइव शुरू हो जाता है और फिर वो पूरी होलसेल मार्केट आपको मैंने दिखाई थी लास्ट वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी कुछ चीज़ें हैं वो दिखाऊँगा इंशाल्लाह मैं आपको अनकरीब, कि अभी मैं थोड़े कुछ दिनों में मेरी भी वापसी है यहाँ से, फिर मिलेंगे पाकिस्तान में आप लोग से इंशाल्लाह दोबारा।